सारा को मारते हैं। आलू कीमा बनाने जा रही थी तो मैंने कहा चले आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। आज सुबह से मैं बहुत सुस्त और बहुत ज़्यादा टाइट फील कर रही थी, बिल्कुल कुछ करना भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन किया भी और सुस्ती सुस्ती रही, इसलिए कुछ वीडियो नहीं बनाई। तो जो है मैंने कहा चले अभी फिर बना लूँ। तो ये मैं थोड़ा सा कीमा बना रही थी, आलू कीमा। इसकी रेसिपी बहुत अच्छी होती है, मज़ेदार। काफ़ी अरसे के बाद आज मैं बना रही हूँ, शायद लॉकडाउन में बनाया ही नहीं, इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। प्याज और हरी मिर्ची को मैंने चॉप करा है और ये चिकन थी मेरे पास, चिकन का कीमा नहीं था, चिकन थी तो मैंने इसको चॉपर में बन चॉप कर लिया है, और टमाटरों को भी चॉप कर लिया, चिकन का कीमा और जो है टमाटर मैंने चॉप कर लिए। प्याज सबसे पहले चॉप करके निकाले, फिर चिकन के पीसेस से बोनलेस वो चॉप किया, ये हाफ के जी, और टमाटर दो टमाटर चॉप किए, हल्का सा प्याज को छोटे करेंगे। मैं जैसे ही प्याज होती हूँ मैं इसका कीमा डाल देती हूँ, कीमा वाइट हो गया है, अब इसमें मैंने एक हाफ स्पून हल्दी कर दी है, रेड चिली कर दी है, सॉल्ट, बस मैं इसमें यही तीन चीज़ें डालूंगी। आप इस पॉइंट पर गरम मसाला डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, मुझे नहीं डालना इसलिए मैं गरम मसाला नहीं डाल रही। जैसे ही कीमा हो जाता है तो फिर ऐसे ही मैं इस पर मैंने इसमें टमाटर पेस्ट जो रखा हुआ था और आलू काट के डाल दिए। ये कच्चे आलू हैं, बॉयल आलू नहीं है, ये इसी में ही होंगे, गलेंगे। इसको दो मिनट के लिए मैं ढक रही हूँ। बस इसमें अगर आप चाहें तो थोड़ा सा शेरवा करना चाहें ढीला पानी डाल के तो वह कर सकते हैं, और इसमें आप हरा धनिया शामिल कर सकते हैं लास्ट पॉइंट पे, वो मैं करूँगी। ये बस ये अब दम पे पकेगा। अब मैंने इस पॉइंट पे ये शामिल कर दिया है ऑयल, इसमें प्याज शामिल करूंगी,
थोड़ा सा ज़ीरा शामिल करूँगी। नमक और हल्दी, बस इसमें दो चीज़ें जाएंगे। तीन कप पानी है उसमें, मैंने तकरीबन तीन कप ही पानी शामिल किया है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा और पानी डालूंगी ताकि चावल अच्छे पक जाए। अब मैं इसको ढक दूंगी। इस पॉइंट पे आप नमक चख सकते हैं, कम ज़्यादा हो तो डाल सकते हैं। पंद्रह मिनट में ये पक जाएगा। अब हम अपने आलूओं को देखते हैं। वकीम आप देख सकते हैं नाजरीन, कीमा हमारा कितना ज़बरदस्त हो गया है। आलू भी इसी में गल गए टमाटर के पानी में। और इसमें इस पॉइंट पर आप अदरक लहसुन हरी मिर्च मैंने चॉप में डाल दी थी, प्याज जो चॉप की थी उसमें, इसमें हरा धनिया डालूँगे। झटपट ये हमारा डिनर तैयार है। ये खिचड़ी भी मेरी, खिचड़ी कहते हैं इसको, खिचड़ी और कीमा आलू, तो ये तो बहुत बेहतरीन सी डिश है हमारे बच्चों की, जो मैंने काफ़ी अरसे के बाद बनाई तो आपके साथ शेयर कर ली। तो जो है जैसे चावल होते हैं मैं आपको बताती हूँ। देख सकते हैं कीमे का मैंने इसमें हाफ कप पानी डाल के हरा धनिया डाला था। ये खिचड़ी मुझे सर्व करना है, मैं बताती हूँ फाइनल। आप देख सकते हैं नाजी चावल कितना खड़ा है। मसूर की दाल की खिचड़ी हमारे घर में सबको बहुत पसंद है। वैसे ही चने की दाल, मूंग की दाल और जो है की भी बनती है, तो मसूर की दाल पर ज़्यादा फोकस है हमारा। तो ये कीमे के साथ और ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगती है। Misconception, no need for no deception, 'cause I promise if you find them, lead you in the
right direction. You'll never be misguided. I'll show you where the light is. I'll show you how bright the love is. I'll show you how bright the love is.